हेलो दोस्तों, तो एसक्यूएल सर्वर की दूसरी वीडियोज है। हमने पहले वीडियोज में बात की थी कैसे एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड में लगाया जाता है। तो ये देखिए, डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है और मैं इसकी फोल्डर को ओपन करके इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। जी हाँ, क्लोज कर देता हूँ मैं इंस्टॉलर। और ये जो डाउनलोड हुआ है वो देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलर था, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर 64 यूनिट का आ गया है और ये कितने एमबी का है, 800 MB का सॉफ्टवेयर है। अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको रन, ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतजार कीजिए। ये इंस्टॉलर है। इसमें देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर रिपोर्ट, यहाँ पे न्यू एसक्यूएल स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन एंड फीचर एक्सटिंग इंस्टॉलेशन, और इस पे आप इस क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन का एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये आपके सिस्टम को चेक करेगा, ग्लोबल रूल्स को चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना पड़ेगा। फिर इसको नेक्स्ट कीजिए। फिर आपको ये आपका इंस्टॉलेशन सेटअप को चेक कर रहा है, देख रहा है कि आपका सिस्टम में सारे कंपोनेंट इसकी अकॉर्डिंग है या नहीं है। स्कैन द प्रोडक्ट अपडेट कंप्लीट कर दिया, डाउनलोडिंग सेटअप फाइल स्किप कर दिया, स्ट्रैक सेटअप फाइल स्किप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी स्किप है, और इस यह है इंस्टॉल सेटअप फाइल, सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये रूल्स को चेक करेगा, इंस्टॉल रूल्स को। अगर इंस्टॉल रूल्स पास हो जाता है देन आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलर में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये सर्वर है, एक एसक्यूएल सर्वर आपको पूरा सिस्टम का हर एक कंपोनेंट को चेंज करता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब यहाँ देखिए, ये सब पास्ट है, पास्ट है। विंडो फायरवेल वार्निंग है, इसमें कोई अगर फेल होता तो फिर उसको आप गूगल पे सर्च करके सेलेक्ट करके उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से चाहिए आपको, वो आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट वो ले लीजिए, जैसे लोकल डीबी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रहने दीजिए, या सेलेक्ट ऑल करना है तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। आपका कहाँ पे हो रहा है डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी कहाँ है, ऐसा डायरेक्टरी है इसको देख लीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फीचर सिलेक्शन आपका कर रहा है। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये डिफ़ॉल्ट आप नाम रखेंगे इसको एक्सप्रेस, या अपना यहाँ नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया IPT। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो अब मेरा सर्वर नेम हो गया IPT। ये आपका जावा इंस्टॉलेशन है, जैसा है उसको एटिच रहने दीजिए, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपका ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, फुल टेक्स्ट डायनेमिक, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये आता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें आपको आईडी और पासवर्ड सेट करने होते हैं। तो विंडो ऑथेंटिकेशन से, या आप खुद की आईडी और पासवर्ड सेट करना चाहते हो आप यहाँ पर डिसेट कर लीजिए। मैं फिलहाल विंडो ऑथेंटिकेशन रखना चाहता हूँ, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट, ये पाइथन को भी एक्सेप्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट, अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस हो गया, अभी कुछ मिनट्स का यूज होगा और आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगली वीडियोज में हम बात करेंगे कि अपना जो स्टूडियो है वो स्टूडियो कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की ज़रूरत हो, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे मैं नंबर दिख रहा है। थैंक यू।